लॉकडाउन के दौरान सिंगरौली में पुलिस ने अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने जहां कोयला का अवैध परिवहन करने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, वहीं अवैध शराब के कारोबार में लिप्त एक व्यक्ति पर कार्रवाई करते हुए इसके पास से अंग्रेजी शराब की बोतलें जब्त की हैं। लॉकडाउन के बीच चोरी छुपे अवैध कार्यों में लिप्त लोगों पर मोरवा पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां मोरवा पुलिस ने ट्रैक्टर से कोयले का अवैध परिवहन करते हुए दो लोगों को पकड़ा, वहीं अवैध शराब के कारोबार में लिप्त एक व्यक्ति पर कार्रवाई करते हुए उसके पास से अंग्रेजी शराब की बोतलें जब्त की। बताया जा रहा है कि निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने अवैध कोयला परिवहन करते हुए कन्हैया लाल साहू और अजय सिंह गौड़ को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पुलिस को उनके ट्रैक्टर से 10,000 कीमत का 2 टन अवैध कोयला बरामद हुआ। दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं मुखबिर की सूचना पर मढ़ौली छाट घाट पंप हाउस के पास से झोले में अवैध शराब ले जा रहे संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है। शराब की कीमत 2,880 बताई जा रही है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत यह कार्रवाई की है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।